इसी तरह जो है यहाँ तक इसके लिए उभारा गया हमको कि अबू दाऊद की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अबू दाऊद हदीस नंबर 5200 के, दो शख्स अगर चल रहे हैं और उनके बीच में अगर पत्थर आ जाए, बड़ा पत्थर आ गया, चट्टान आ गई, या पेड़ आ गया, या कोई दीवार आ गई जिसकी वजह से वो बिछड़ गए, चलते चलते पेड़ आ गया, पेड़ का तना आ गया, दोनों ने साथ में थे, साथ छोड़ दिया, आगे जाके फिर मिले, फिर सलाम करो, यहाँ तक उभारा गया इसके लिए। दीवार आ गई फिर सलाम करो, पत्थर आ गया ऐसा बड़ी चट्टान आ गई आप मिले फिर सलाम करो, तो यहाँ तक इसके लिए उभारा गया है। या फिर मुसाफा भी कर सकते हैं, मुसाफा भी था सहाबा के ताल्लुक से, ये सही बुखारी की रिवायत है। कदादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हदीस नंबर 6263 के दरमियान मुसाफा था, यानी सहाबा दरमियान मुसाफा भी करते थे, मिलते थे तो हाथ भी मिलाया करते थे, मुसाफा भी किया करते थे। और मुसाफा के ताल्लुक से तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, ये अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 5212 के, जब दो भाई मिलते हैं, जब दो भाई दो मुसलमान मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो अल्लाह ताला उनके जुदा होने तक से पहले पहले, यानी दोनों मिले तो खालिस अल्लाह के लिए मिले, तो उनके जुदा होने तक अल्लाह जो उनकी मगफरत कर देता है, उनको माफ़ कर देता है, उनको बख्श देता है। इतनी इतनी बड़ी फजीलत है मुसाफा करने की, यानी वो एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से बिछड़ें इससे पहले अल्लाह उनको बख्श देता है। तो हम कोशिश करें कि इस सलाम को हम आम करें, क्योंकि सलाम आज जो है रिवाजन भी नहीं रहा, तो इसको हमको समझना चाहिए। फजीलत के साथ में करेंगे तो इसके फिर अजर सवाब नीयत के हिसाब से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको आम करने की ज़रूरत है। और इसको ये अच्छा रिवाज है जिसको फैलाना चाहिए, और रिवाज हम फैलाएं दूसरा तो वो तो मना है इस्लाम के अंदर, अपने रिवाज मत दो इसको जो है वो बताओ, लेकिन ये रिवाज ऐसा आप इसको फैलाएं, सलाम करें एक दूसरे से, चाहे इसको पहचानते हो चाहे इसको ना पहचानते हो।